गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ। देखिए आप लोगों को कभी कभी बहुत ज्यादा थकान होती है, कमजोरी लगती है, नींद नहीं आती है, आलस बना रहता है दिन भर। देखिए उसको कहते हैं क्रोनिक फेटिक सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है जो ना दिखते हुए भी एक बीमारी है। देखिए आपकी खराब जीवन शैली, अनियमित खान पान और नींद पूरी नहीं होना, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब इसमें आपको दिन भर आलस ही बना रहता है और देखिए किसी काम में मन नहीं लगता है, नींद आती रहती है, आप कुछ करने का मन नहीं करता है। तो आप देखिए जैसे भी हो आप थोड़ी सी 2-3 एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक खत्म हो जाएगी और आप अपने आप में एनर्जी महसूस करेंगे, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा उससे और आपको थोड़ा गुड फील गुड होगा। ठीक है तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले अपन इसमें करेंगे ताड़ासन। देखिए मैं शायद आधी ना दिखूं क्योंकि कैमरा ऐसे आड़ा है इसलिए, लेकिन ताड़ासन सभी जानते हैं आजकल, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके। देखिए आप बैठे बैठे भी ताड़ासन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। देखिए बैठे बैठे बता देती हूँ, डीप ब्रीथ इन कीजिए, हाथ ऊपर ले जाइए, इसमें स्टे कीजिए थोड़ी सी देर, वैसे खड़े होके करना है आपको और पंजों के बल करना है। ब्रीथ आउट, फिर कर लीजिए, ये ताड़ासन इसमें बेस्ट है इसके लिए, बहुत अच्छा। आपकी हर बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उससे आपको अच्छा फील होता है। ठीक है अब उसके बाद देखिए आप कर लीजिए इसके लिए, देखिए पहले बालासन कर लीजिए। बालासन बहुत अच्छी चीज है, चाइल्ड पोज। देखिए आपको कोई दुख होता है, दुख की वजह से भी आप में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो दुख भी इससे दूर होता है, इससे एंडोर्फिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिससे आप प्रसन्न रहते हैं। देखिए दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आगे जाइए, पेशानी और नाक दोनों टच कर दीजिए, माथा और नाक दोनों टच कर दीजिए, हाथ पूरे आगे, नॉर्मल ब्रीथ इन आउट करते रहिए। इसको कम से कम आप 3 से 5 बार कर लीजिए। अब उसके बाद कर लीजिए आप पवन मुक्तासन। देखिए पवन मुक्तासन में आप लेट जाएंगे, देखिए ये तो होता है अर्ध पवन मुक्तासन। अगर आपने अभी तक पवन मुक्तासन नहीं किया है तो पहले आप अर्ध पवन मुक्तासन से शुरू कीजिए, नहीं तो आपके पेट में बायटा खिंचाव आ सकता है। देखिए एक पांव ऐसे रहेगा और एक पांव को अपने साइड खींचिए, सिर को ऊपर उठाइए। अब यही चीज आप दूसरे पांव से कर लीजिए, 30 सेकेंड्स आपको स्टे करना है इसमें। अब 2-4 बार आप ऐसे कर लीजिए, फिर उसके बाद दोनों पांव को इकट्ठा लेके मिला के और फिर करना है। देखिए बहुत अच्छी चीज है ये, इसके लिए तो है ही सही, पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी है और आपके पेट की खराबी के लिए भी बहुत अच्छी है, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, डायबिटीज कंट्रोल करती है और आपका इंडाइजेशन ठीक करती है, कॉन्स्टिपेशन दूर करती है, गैस ब्लोटिंग की समस्या को भी दूर करती है। तो फ्रेंड्स ये हुआ पवन मुक्तासन। ठीक है अब उसके बाद आप इसमें कर लीजिए, देखिए 3-4 बताऊंगी, मैं ज्यादा नहीं बता रही हूं। इसके बाद आप कर लीजिए शवासन। शवासन में दोनों पैर लंबे बिल्कुल मिले हुए, घुटने से घुटने मिले हुए, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पूरी बॉडी स्ट्रेट और हाथ दोनों आसमान की तरफ हथेलियां खुली हुई बॉडी से चिपके हुए। इसमें आपको लेटना है लास्ट में, ये जो आपकी फेटिक की समस्या है, प्रॉब्लम है, ये बहुत हद तक इससे दूर हो जाएगी। आप करके देखिए 5-6 दिनों में ही आप तरोताजा महसूस करेंगे खुद को। जनरली ये बच्चों में आजकल बहुत देखने में आ रही है क्योंकि 12-1 बजे तक वो लोग जागते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, सुबह में देर तक सोते रहते हैं।
तो जो आपका 10 से 2 का टाइम है जो सोने का, जिसमें गहरी नींद आती है, जो नेचुरल आपकी टाइमिंग है 10 से 2 के बीच का, वो टाइम यंगस्टर्स निकाल देते हैं। अब वो 1:30 बजे 2 बजे सोते हैं तो उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए देखिए, आप उसके साथ साथ कोशिश कीजिए, आप अपना खान पान को नियमित कीजिए, अपनी घड़ी को सुचारू रूप से चलाइए, बॉडी की जो क्लॉक है उसको ढंग से कीजिए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। उसके साथ साथ ये थोड़ी सी रूटीन एक्सरसाइज कीजिए, तो इस प्रॉब्लम से आप ये क्रोनिक फेटिक डिजीज से छुटकारा पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।